इस लोकसभा चुनाव में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। कई जगहों पर बरसों के रिकॉर्ड टूट गए। इन्हीं दुर्लभ तस्वीरों में से एक है मुजफ्फरनगर से आई ये तस्वीर। एक तरफ जहां वोटों की काउंटिंग चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये तस्वीर देखकर आप भी चौंक गए ना, वैसे चौंकना भी लाजमी है। ये हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान ही हैं जो साथ में खाना खाते दिख रहे हैं। आपका चौंकना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे, जुबानी हमला कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों साथ में खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर मतगणना के दौरान की है। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि दो विरोधी साथ में खाना खा रहे हैं। वहीं सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने भाजपा प्रत्याशी और दो बार से सांसद डॉक्टर संजीव बालियान को हराकर नया इतिहास रच दिया है। इस सीट का इतिहास है कि यहां से आज तक एक भी गैर भाजपाई जाट चुनाव नहीं जीता था। जो भी बड़ा जाट नेता भाजपा के अलावा अन्य पार्टी से चुनाव लड़ा उसे हार ही मिली। आपको बता दें कि सपा से हरेंद्र मलिक की जीत के साथ ही मुजफ्फरनगर लोकसभा का पुराना मिथक भी टूट गया। अब तक केवल भाजपा से ही 5 बार जाट नेता जीतकर संसद पहुंचे थे। पहली बार किसी दूसरे दल से कोई जाट नेता जीता और संसद पहुंच गया। गौरतलब है कि गैर भाजपाई जाट नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और रालोद मुखिया चौधरी अजीत सिंह भी हार गए थे। वैसे कहा जाता है कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। आज ये कथनी सच साबित हो गई है।